तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से फिजिक्स के उन बेटे बेटियों की बात करने वाले हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि फिजिक्स उनके एक्शन की माई बाप है। बेचारे ग्रेविटी को हर चौराहे पे नंगा किया जा रहा है, लॉजिक को हर सुबह से हम शर्मिंदा किया जा रहा है, और ठरक साली इतनी की किसी का भी केला किसी के भी मुंह में दिया जा रहा है। इतना सब सुन के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बात भोजपुरी वालों की ही हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक्शन में उड़ना और लॉजिक में हगना भोजपुरी डायरेक्टर्स के खून में आ गया है। 250-300 किलो से नीचे तो ये बात ही नहीं कर रहे। तो चलो आओ यार, अब फरवरी आधी आ चुकी है तो अपने नाने के मावर्त को तोड़ो, अपने कानों में ईयरफोन लगाओ और शुरू करते हैं 1v4 के साथ। ये पबजी वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये पबजी वाला नहीं है, ये पवन जी वाला है। एक पुलिस वाले को ट्रेनिंग में इतना तो सिखाई दिया जाता है कि वो पास खड़े बंदे को 25-30 गोलियों में से 5 गोली तो पक्का मार दे, लेकिन भोजपुरी वालों के ऐसा नहीं होता। अरे तो बेटे के बाप, जब तेरे पास बंदूक है तो उसके पास क्या उसका लिंक चूसने जा रहा है तू? यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी ये देखो इनका ऑफिसर, ये साला इनसे भी बड़ा थैली है। अरे चुम्मा थोड़ी लेना है सर जी, जो उसके छाती के पास जा रहे हो इतना, गोली तो दूर से भी चल जाएगी। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो। इसका उट जोनाथन 1v4 कर करके गेम के गोड बने बैठे हैं। यहाँ पवन जी ओपन में खड़े होकर एक स्प्रे में 10 बंदों को लिटा चुके हैं, बावजूद 1% घमंड नहीं है इनमें। अरे डायरेक्टर थोड़ी तो शर्म कर ले यार, एक बंदा खुले में आ रहा है, सामने 10 बंदे के 47 चला रहे हैं, बावजूद इसके किसी में भी दम है जो एक भी गोली लग जाए। मूड खराब कर दिया, थोड़ा तो प्रैक्टिकल सोचो यार, 10-10 से लड़वा रहे हो। और एक ये फेमस हो रहे हैं, इनके यहाँ 8-10 बंदे अपने हीरो को दबा के रखेंगे ऐसे, फिर अपने हीरो को आएगी अपने बाबू या अपनी माँ की याद, और भाई साहब वो उठा उठा के फेंकेगा फिर इनको। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रियल लाइफ में अगर 10 ठीक ठाक बंदे किसी गाड़ी को भी सही पकड़ लेना तो वो भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। बंदे फेंकना तो दूर की बात है यार। वैसे ये वाली बोका चौकी बॉलीवुड में भी काफी होती है, लेकिन उनको हम बाद में कभी लपेटेंगे। अब देखो तुम इसको अजीब मत समझो, दरअसल यहाँ पे केसारी जी इसके ऊपर खड़े हैं ना, तो इसलिए हवा में रुके हुए हैं। अब तुम पूछोगे ये किसके ऊपर रुका हुआ है, फिर तो इसने केसारी जी ऊपर पकड़ रखा है इसलिए ये हवा में रुका हुआ है। बाकी ज्यादा मत सोचो, खोपड़ी की नसें फट जाएगी। क्या महिला खींच दिया, फोड़ दिया, तोड़ दिया? जिस गाड़ी का खोप ऐसा कि रात छोड़ो दिन में भी इसके आसपास नहीं भटकता कोई, क्या पता कौन कहाँ किडनैप कर ले। बट यहाँ पे तो भोजपुरी रॉक एवरीवन शॉक। और ये तो गाड़ी थी तब ये हाल है। भाई साहब अगर मैटर लड़की का होना तो पवन सिंह का पारा थोड़ा ज्यादा कैजुअल हो जाता है। अब आप सभी दर्शकों से मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे देना मेरे को। यहाँ पे पवन सिंह ने न्यूटन के किस नियम का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 लोप MKC, ऑप्शन 2 लोप GPL, ऑप्शन 3 लोप मुंह में ले लो, ऑप्शन 4 लव प्लस डे का नियम, या ऑप्शन 5 उपरोक्त सभी ऑल अबव। ऑप्शन 5 को लोप कर दिया, मेरे को पता नहीं होगा। हवा में उड़ना, तैरना, ये सब तो भोजपुरी मूवीज में ऐसा हो गया है जैसे कोई बंदा चाय की टपरी पे चाय पी रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल, पता ही नहीं चल रहा जैसे किसी को। आदमी को पानी में तैरते बहुत देखा है, यहाँ पे भाई साहब ये रेत में तैर रहे हैं। और इनकी फिल्मों में हीरो की एंट्री वो अलग ही टाइप का डायनामाइट है। अरे भाई आराम से आ जाओ यार, इतनी तोड़फोड़ करने की कहाँ जरूरत है, हम तो फिर भी देख लेंगे। क्लाइमैक्स अभी बाकी, तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ।
ग्रेविटी काम है इसमें। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मतलब मन के अंदर ऐसा सोच के बैठे हैं कि फिजिक्स और ग्रेविटी को ऐसी मौत मारेंगे कि न्यूटन और आइंस्टाइन पुनर्जन्म लेने से पहले दो तीन बार तो सोचे। ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को कि भगवान ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही खत्म कर देगा। अब थोड़ा सा केला खाना और खिलाना भी सीख लेते हैं। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दूसरों को बताइए, और पसंद नहीं आया है तो मेरे को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।